नमस्ते ऋषभ जी, मैं आपको बहुत आपका आभार हूँ कि आप हमारी छोटी सी कहानी समझने की सुनने के लिए आप हमको टाइम दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ। बचपन में ही पोलियो जैसी बड़ी बीमारी से मैं ग्रस्त हो गया था, जिसका उनको मालूम नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ। लेकिन बचपन ही बचपन, सबका बचपन होता है, तो मैं इसको समझे ना बुझे मैं अपनी सारी एक्टिविटी बच्चों के साथ पढ़ने की एक्टिविटी सब करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो उन लोग सब में अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगा, तो जिससे उनको एलाइज हुआ कि मैं सचमुच ही कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ। इस कारण मैं उन लोग से और उस समाज से धीरे धीरे दूरियाँ बनने लगी। फिर हमारी फैमिली हमको समझाया कि आप उन लोग साथ हर तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा टफ हुआ, लेकिन मैं उनके साथ एडजस्ट किया, लेकिन वो भी लोग हमको समझने मतलब हमारा साथ देने लगे। हमने डिसाइड किया कि मैं कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करूँ, जिसके कारण फैमिली को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने के लिए हमको लखनऊ स्टडी करने के लिए भेजा। जैसे कि मैं लखनऊ आया स्टडी के लिए, तो फिर इसके बाद यहाँ पे आया तो सारे वातावरण एक अलग रूप धारी हुई हैं। उसमें लोग अपने हर एक्टिविटी को अपना फोकस फ्यूचर के में लगे हुए हैं। फिर सोचा कि मैं भी कुछ अलग करूँ, अपने देश के लिए करूँ। जैसे हमारे देश के जवान हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जीते हैं, वैसे मैं भी सोचा। तो मैं स्पोर्ट का फील्ड में चुना, उसमें आम रेसलिंग एक जो गेम्स होते हैं, जो एक सूटेबिलिटी तरीके से कम जगह में इस जगह में हर छोटे से जगह में इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। के पीछे यहाँ तक पहुँचाने और इस चीज़ को सिखाने के लिए इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का पूरा योगदान रहा। उसके उनके प्रेसिडेंट आसिम रजा और हमारे कोच मुस्तफ़ा अली तथा यहाँ के लखनऊ के कुछ अच्छे से हमारे बड़े भाई लोग दोस्त लोग का बहुत इसमें योगदान रहा, जिसके कारण मैं इस चीज़ को सीख लिया और मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक जुनून पैदा कर सका, जिसके कारण मैं देश के लिए खेलने और स्टेट लेवल नेशनल में खेल कर अच्छा प्रदर्शन करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं प्रिपेयर हुआ और दो तीन चार वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला। उसमें कुछ निराशाएं आए, लेकिन मैं उस जुनून को उस मेहनत को कम नहीं किया और इसी लगन को लेकर मैं 2017 नवंबर में मैं देश के लिए वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। जैसे कि ऋषभ जी यहाँ तक सुने, ये तो अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ जो भी मूवमेंट थे जो भी मेहनत थे उसके परिणाम आने लगे थे। इतने कुछ होने के बाद एक हमारे साथ घटना घटा, उसका हमारे कैरियर हमारे जो भी स्पोर्ट लक्ष्य था उस पर बहुत तोड़ने वाली मतलब झंझोरने वाली घटना घटी। एक बार ऐसे में चैम्पियनशिप जीत के आ रहा था, रेलवे स्टेशन लखनऊ उतरा ही था, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे आए और ऐसा लगा कि मैं हेल्प के लिए किसी को बुला रहा हूँ, तो मेरे पास आए, हमको अपने जेब से पैसे निकाल के देने लगे। तो मैं बोला कि अंकल जी, मैं देश के लिए जीत के प्रदेश के लिए जीत के आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि अपने समाज में एक डिसेबिलिटी चैलेंजर बच्चे या डिसेबिलिटी लोग को सारे समाज उसी सोच से सोचती है जिस सोच से वो बुजुर्ग अंकल जी ने सोचा, क्योंकि ये एक मानसिकता है जो बदलने की कोशिश हम ही लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि एक दीपक कहीं भी जले वहाँ प्रकाश कर देता है, वैसे ही
मेरा नाम सूर्य प्रताप शर्मा है और इस नव वर्ष में मैं वही संकल्प लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे फिजिकल चैलेंजर बच्चे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे कैसे जोड़ा जाए, उस पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ। और मेरी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उनकी वो प्लेटफॉर्म मिले और इसी संकल्प के साथ मैं इस नए साल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।